हे गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आज मैं आया हूँ राजू भाई की चाट सेंटर पर। यहाँ ही सर्व करते हैं चाट की अलग अलग वैरायटी, तो चलिए इनसे बात करते हैं। बने रहिए वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। भाई नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या बना रहे हो आज आप? जी हमारे पास जो है तरह तरह के आइटम बेचते हैं, जैसे बर्गर है, छोले चाट है, तरी वाले छोले हैं, आलू चाट है, छोले चावल है, और पनीर बर्गर है, सादा बर्गर है। इतनी सारी वैरायटी आप एक ही कार्ट पर रख के चल रहे हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? काफी समय हो गया सर, गुजारा इसी से होता है, गृहस्थी इसी चल रही है, बच्चे घर परिवार चल रहा है, बच्चे पढ़ा लिखा दिए, घर मकान बनवा लिया, सर इसी से हो रहा है। मतलब सब कुछ भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। सर मेहनत मजदूरी करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं आपके पास देख रहा हूँ आपका कोई गैस सिलेंडर नहीं है, आपने ये तीन चिमनियाँ लगा रखी हैं। जी चिमनियाँ बोलते हैं, भट्टी बोलते हैं इनको, जो भट्टी बोलते हैं, लगा रखी है और ये चल रही है कोयले से? हाँ कोयले से चलती है, ये लकड़ी से, कंडों से। तो गाइस आप देख सकते हैं भैया का पूरा इको फ्रेंडली सेटअप काफ़ी अल्टीमेट है, गैस का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, अब कोयले और कंडों पर पकाया जा रहा है छोले चावल, अलग अलग तरीके की चाट। ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो आज आप हमारे लिए क्या लगाने वाले हैं? आप जो सर कहो आदेश करो, आप छोले चाट भी लगा खिलाएंगे आपको, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही जायकेदार है। और आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी छोले चाट खिलाइए। ठीक है सर। इसके बाद में हम जो है जायकेदार मसाले, इससे हमारा जो है टेस्ट मसालों से और जायकेदार बनता है। हम इसमें आलू मिलाते हैं, इसके बाद में हम इसमें चावल लेंगे, फिर हम जो है इसमें छोले डालते हैं, इसमें हमारे मटर हैं, चने, चावल, छोले सारे आइटम हैं, फिर उसके बाद में हम इसमें जो है प्याज डालते हैं। अभी हम रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? लोगों ने हमें बड़ी इज्जत से यहाँ पे बैठा के रखा है और बड़ी इज्जत से जो हमारे पास लोग खाने आते हैं और अच्छा टेस्ट का लुत्फ उठाते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आपको काफ़ी टाइम हो गया काम करते? हाँ सर, काफ़ी समय निकल गया हमारे को, हमने पूरा मतलब अपना समय इसी में निकाला। शुरू से आप ये काम करते हैं? हाँ, लोगों ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया? हाँ बहुत सपोर्ट किया, बहुत मान सम्मान इज्जत दिया हमको। बहुत बढ़िया। तो गाइस यहाँ मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं, मैं इनसे इनका रिव्यू मांगता हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है अंकल की चाट? बढ़िया लगती है, एकदम बढ़िया लगती है। बढ़िया लगती है। कब से आ रहे हो आप यहाँ चाट खाने? हम यहाँ 2-3 महीने से आ रहे हैं। 2-3 महीने से। तो कैसा लगता है आपको ये चाट? बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है। तो आज क्या खा रहे हो आप लोग? आज चाट खा रहे हैं, आलू की चाट। आपके पास दोना नहीं है? हमारे पास अभी हम पे पैसे खत्म हो गए हैं। तो आज मैं खिला दूं आपको अपनी तरफ से? नहीं आप मत खिलाओ, हम खाते हैं। आज एक काम करते हैं, इन दोनों को आज मेरी तरफ से खिलाते हैं, ठीक है? तो गाइस यहाँ मेरे साथ मेरा एक सब्सक्राइबर है, ये काफी टाइम से मेरी वीडियोस देखता था, तो आज इस खाने का रिव्यू मेरे साथ ये करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपांशु है। कितने टाइम से आप? 7 से हूं और मैं इनसे कम से कम 1 ईयर हो गई मुझे इनसे खाते हुए। मुझे इनका मसाला बहुत टेस्टी लगता है, इस हिसाब से मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है इनकी खाने पीने में। खाने पीने में मतलब अच्छा सर्व कर रहे हैं अंकल। हाँ, और आपको 1 साल हो गई? मुझे 1 ईयर हो गई, मतलब इनके खाते वीडियोस देखते हो आप मेरी? हाँ मैं रोज देखता हूँ आपकी वीडियोस, मुझे अच्छी लगती है आपकी वीडियोस। आज आप एक काम कीजिए, अब अंकल ने जो चाट बनाई है उसका रिव्यू पहले आप कीजिए, फिर मैं करूँगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइएगा कि अंकल ने चाट कैसी बनाई है। अंकल चाट अच्छी बनाते हैं, इसमें क्या बट मैं भैया जी कह रहे हैं हमारे, तो इसलिए मैं खा ले रहा हूँ। अच्छा वेरी टेस्टी, बढ़िया चाट बनाई है। तो आपने बोला अंकल ने अच्छी चाट बनाई है, मुझे भी एक बार इसका रिव्यू और करना पड़ेगा। आप भी कर लीजिए। जो चाट है अंकल की काफ़ी स्पाइसी है, बैलेंस फ्लेवर है, आलू है, प्याज है, टमाटर हैं, छोले हैं, सारी क्वांटिटी बहुत अच्छे तरीके से डाली हुई है। तो अंकल की जो चाट है ऑल ओवर बढ़िया है। प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसके 15 रुपये, और मैं करता हूँ उसे फिनिश। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चाओ।